राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की मांग की तलवार अब भी लटक रही है, जिसके चलते ईडी की जांच उनके निवास स्थान पर हो रही है। इस बात को लेकर राष्ट्रवादी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे, इन्होंने भी जेपी पर हमला बोलते हुए ये कहा कि ये एक सोची समझी साजिश है। पेश है हमारे संवाददाता संजय मिरे, इनकी एक ग्राउंड रिपोर्ट। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह, इन्होंने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर हर माह 100 करोड़ रुपए की मांग की, ऐसा आरोप उन्होंने लेटर बॉम्ब के जरिए फोड़ा, जिससे राजनीति में भूचाल आ गया था। विरोधी और सत्ता पक्ष दोनों आपस में भिड़ गए थे। आखिरकार अनिल देशमुख, इन्हें गृह मंत्री पद का इस्तीफा देना पड़ा था। इस्तीफा देने के बाद सीबीआई और ईडी ने भी कार्रवाई की। जेपीओ चौक स्थित अनिल देशमुख के मकानों में ईडी ने दस्तक दी। इसकी जानकारी मिलते ही सैकड़ों राका कार्यकर्ता मकान के सामने भी खड़े हो गए। कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की। राष्ट्रवादी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे, इन्होंने इस ईडी की कार्यवाही को बीजेपी की गंदी चाल कहते हुए अपनी प्रतिक्रिया बीसीएन समक्ष दी। दर्शकों, इस समय में हमारे साथ में राष्ट्रवादी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे जी आए, उनसे जानना चाहते कि इस ईडी की जो कार्रवाई जो चली है, उस कार्रवाई को लेकर उनकी अपनी क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहते हैं प्रवीण जी? जो कार्रवाई आपके राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर में चली है, ये पूरी तरह से राजनीतिक साजिश है। अनिल देशमुख साहब के को टारगेट कर इस राज्य की सरकार को अस्थिर करने का पूरी तरह से प्रयास है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लगातार पूरे देश में, चाहे वे पश्चिम बंगाल का मामला हो या कर्नाटका का मामला हो, देश के जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, उनको ईडी के मार्फत, सीबीआई के मार्फत पॉलिटिकल टारगेट करके सरकार की इमेज को ध्वस्त करना, ताकि जनता में मैसेज जाए कि हम ये सरकार अस्थिर है। जिस तरह से कल आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कल जैसे उनके पार्टी के नेता किरीट सुमा लगातार कर रहे, बहुत जल्द छगन भुजबल की तरह हम लोग अनिल देशमुख पर कार्रवाई करने जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं, ठीक उसी के बाद एक दो दिन के बाद में ईडी करती है, सीबीआई की कार्रवाई करती है। इसका मतलब पूरी एकदम बिल्कुल साफ है, ये कार्रवाई पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित कार्रवाई है। और जिस मामले को लेकर पिछले 2 महीने से जिस मामले को लेकर अनिल देशमुख जी ने इस्तीफा दिया था, वो मामला क्या था? मामला था जिलेटिन रखने का अंबानी के बंगले के सामने, एंटेलिया के सामने जिलेटिन किसने रखा, सचिन वाजे का क्या हुआ, इस पर कोई चर्चा नहीं आज की तारीख में। मूल मुद्दे से भटकाने के लिए एक आईपीएस ऑफिसर, जिस आईपीएस ऑफिसर ने 100-150 करोड़ के एलिगेशन लगाने का काम किया था, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। पहले तो उनकी ईडी और सीबीआई के मार्फत उनकी प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए, वहाँ पर ईडी की कार्रवाई होनी चाहिए। कुंटे जी, एक सवाल मेरा ये था कि अब की महाविकास आघाड़ी सरकार तो है, तो क्या आप जो जिनके ऊपर में आप आरोप लगा रहे, जिसके भारतीय जनता पार्टी का बार बार नाम ले रहे हैं, क्या उनके नेताओं पे भी क्या भविष्य में आपकी सरकार कुछ कार्रवाई करने वाली है? नहीं, देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कितने पानी में, पूरे राज्य की जनता जानती है। 20 साल पहले जिन लोगों की एक साइकिल पर चलने की औकात नहीं थी, आज हवाई जहाज में चल रहे हैं, तो क्या ये खेत में हमाली कर आगे बढ़े हैं? महाराष्ट्र की जनता, प्रदेश की जनता ये सबको जानती है। आने वाले समय में इसका जवाब हम लोग राजनीति के इसका जवाब दिया जाएगा। आपकी पार्टी क्या कुछ आंदोलन करेगी आप इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, हम लोग शुरुआत से कह रहे हैं कि अगर कानून का काम कानून करेगा, जब अनिल देशमुख जी के ऊपर एक आईपीएस ऑफिसर ने आरोप लगाया, हमें किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा था, हमने एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को स्वीकार कर माननीय अनिल जी देशमुख ने पार्टी का गृह मंत्री पद से इस्तीफा देने का काम किया। उसके बाद में जब भी कोई ईडी की कार्रवाई हो या सीबीआई की कार्रवाई हो, हम लोग पूरी तरह से जांच एजेंसियों को, माननीय अनिल देशमुख जी उसको पूरी तरह से उनको कोऑपरेट करने का काम कर रहे हैं। उसके बावजूद कल का घटनाक्रम देखिए आप, जिस तरह से किरीट सोमैया बात कर रहे हैं, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल बात कर रहे हैं कि हम लोग सीबीआई में जाएंगे, हम जेल में डालेंगे, इसका मतलब साफ है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नेता 2 दिन पहले कहते हैं, उसके बाद में ईडी और जांच एजेंसियां काम करती है, ये बात स्पष्ट करती है कि पूरी तरह से ये कार्रवाई पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। तो आप थे प्रवीण कुंटे, जिन्होंने बकबीर बैबा के साथ बात करते हुए ये बताया कि ये कहीं ना कहीं जो राजनेता है उनकी ये चाल है, उन्हीं के जरिए
अनिल देशमुख को फंसाया जा रहा है और उनके ऊपर में ईडी और सीबीआई जैसी कार्रवाई कर रही है, उनकी कहीं ना कहीं प्रतिमा को मलिन करने का काम काज किया जा रहा है, ऐसे राष्ट्रवादी के प्रवक्ता प्रवीण कुंटे इन्होंने कहा है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार से ये जो घटना हो रही है, इससे आने वाले दिनों में राजनीति में क्या उथल पुथल होती है, इसके लिए पूरे राज्य की निगाह लगी हुई है। अनिल देशमुख के निवास से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।